गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। जिस तरीके से हमें वजन बढ़ाने के लिए बॉडी की एक मसाज और एक वर्कआउट, एक एक्सरसाइज करनी होती है, सेम उसी तरीके से अगर आपके गाल पिचके हुए हैं, फेस बहुत छोटा है, स्किन बहुत डल है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हमें फेस की ना एक मसाज देनी होती है। और मसाज भी आप किसी भी चीज़ से देंगे तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। जिस चीज़ से मैं आजकल डेली बेस पे मसाज ले रही हूँ ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। मैं मसाज ले रही हूँ कैस्टर ऑयल से। हाँ, ये कैस्टर ऑयल पिछले कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ फेस मसाज के लिए। ये जो ऑयल होता है ना, ये थोड़ा स्टिकी और थिक होता है, जो हमारी स्किन को टाइट करने में भी हेल्प करता है। और जब स्किन हमारी टाइट होती है तो स्किन ग्लो भी करती है, और अगर हमारे चीक्स थोड़े अंदर है तो मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और हमारे फेस के जो मसल्स हैं वो भी गेन होती है, मतलब हमारा फेस भी गोल गोल और थोड़ा मोटा होने लगता है। हाँ, सच में होने लगता है। आपको लग रहा है ये मजाक है, नहीं, सच में होने लगता है। आप इस ऑयल मसाज जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वो आप करके देखिए। मैं डेली रात को इस ऑयल से मसाज करती हूँ। किस तरह से करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। मैंने लिया है ऑयल अपने पाम पे, बहुत थोड़ा से लगता है ये, और इसे पूरे फेस पे टैप टैप करके आप लगा लो। अच्छे से पूरी फेस पे आप इसको लगाओ और अब देखो आप इसका मसाज हमें कैसे करना है। ठीक है, मैं जितने भी स्टेप्स आपको बताऊंगी आप बस वही स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। इसे 5 से 7 मिनट से ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आप दिन में फ्री होते हैं तब कर लीजिए, रात को सोने से पहले करना चाहे तब कर लीजिए। बस ध्यान ये रखना है, इमीडिएट फेस मसाज करने के बाद आपको फेस को वॉश नहीं करना है 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि हमारी बॉडी मसाज करने से गर्म हो जाती है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होना है, टाइम लेना है 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद आपको फेस मसाज के बाद आपको फेस वॉश करना है 15-20 मिनट बाद। ठीक है, और रात को अगर ले रहे हैं तो मसाज करके बस सो जाइए, सुबह ही उठ के नहाइएगा, तब देखिएगा अपने चेहरे की चमक को, चमक भी बढ़ेगी और फेस भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों को लेना है और ऐसे 2 फिंगर से जितने भी मैं स्टेप बता रही हूं आप ऐसे ही करिएगा, सारी चीजें अपवर्ड की तरफ लेनी है हमको, और ये 15 बार करने हैं। सेम इसी तरीके से आपको करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 1, 2, 15 आपने काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। राइट, ठीक है, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। राइट, ठीक है, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट हाथों को आपको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, लाइक दिस,
दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। अब आ जाती है फॉरवर्ड की मिसाल, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। ठीक है फाइन। नेक्स्ट एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। अब हमने कर लिए फेस पे ऑयल की अच्छे से मसाज। अब इसको क्या करना है, अब हमको इसकी एक्सरसाइज करनी है। वो कैसे करेंगे, ऐसे आपको मुंह को फुलाना है पांच बार कम से कम पूरे प्रेशर के साथ। जितनी देर तक फुला सके पांच बार करना है ऐसे। आपके ये जो चिक्स है ना, इसमें पेन होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स आपकी जो मसल्स है उन पे ठीक तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, पूरे अपने फिंगर्स को लो और ऐसे रब 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 तब तब ऐसे उन पे टैप 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 करो पूरे फेस पे। ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज होगा। अब साथ ही साथ टैप टैप करने के बाद आपको करना है पांच बार एटलीस्ट। एक ये से आपकी फेस और ये जो नेक का और एरिया है ना, ये स्ट्रेच होगा। सेम ऐसे चार पांच सेम दिस साइड एक दो तीन चार पांच। ये जो मैंने आपको मसाज बताई है, आपकी फेस की जो थकान है, आपकी आंखों में पेन है, आपके मतलब थक जाता है ना तब कभी हमें मसाज की जरूरत होती है, तो वो भी आपकी जितनी थकान है ना उसे भी रिलीज करने में बड़ी मदद करता है। एक बार करके देखिए, लेकिन करेंगे किससे, सिर्फ कैस्टर ऑयल से। आपके पास अगर आप घर का होममेड देसी घी बनाते हैं ना, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, उसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि देसी घी भी बहुत हेल्दी रहता है हमारे स्किन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you so much. Bye-bye.